परवाणु में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान ने कसौली के ग्राम पंचायत पट्टा बरोरी में लगी गंबर नदी उठाऊ पेयजल योजना की शिलान्यास पट्टिका को तोड़े जाने पर जताया रोष। होटल शिवालिक परवाणु में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आईपीएच विभाग के अधिकारियों को जीरो एफआईआर दर्ज करवाने की करी मांग। रमेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ओछी राजनीति करने पर आमादा हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह द्वारा शिलान्यास किया गया था, जिसकी पट्टिका को कुछ शरारती तत्वों ने विगत दिनों तोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज बुखलाट में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिमाचल प्रदेश में अपनी हार को देखते हुए ये सारी ओछी हरकतें की हैं। उन्होंने शरारती तत्वों द्वारा तोड़ी गई पट्टिका को पुनः से स्थापित करने की मांग की है। एक सप्ताह के अंदर यदि ये पट्टिका स्थापित नहीं की जाती है तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कसौली निर्वाचन क्षेत्र से एक बड़ा आंदोलन इस मुद्दे को लेकर करेंगे। उन्होंने कसौली कांग्रेस की तरफ से मांग की है कि इस संबंध में विभाग के अधिकारियों की ओर से जीरो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मेरा अनुरोध रहेगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन से, जो वहां पे आईपीएच का जो एक शिलान्यास जो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो किया था, उस पट्टिका को जो गिराया है, तोड़ा है शरारती तत्वों ने, विभाग से, जल शक्ति विभाग से मेरा अनुरोध रहेगा, जल शक्ति विभाग के मंत्री से अनुरोध रहेगा, जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से अनुरोध रहेगा, इस निर्वाचन क्षेत्र के जो विधायक हैं और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है कि उस पट्टिका को अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा से वहां पे नहीं लगाया जाता तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कसौली निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस कमेटी जो है एक बड़ा आंदोलन इसके लेकर के इसको लेके करेगी। यही नहीं, मेरा विभाग से भी यह अनुरोध है कि वो इसके ऊपर जल शक्ति विभाग जो है, कल सोमवार है, कल जो वर्किंग डे है, उनकी कमी है एक्सीएन की और एससी की कमी है कि उन्हें एक जीरो एफआईआर दर्ज कर की जानी चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ, उसको ढूंढा जाना चाहिए, ट्रेस किया जाना चाहिए, जीरो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए जिसने उस पट्टिका को तोड़ा है।